बैटिंग एक आर्ट है और इस आर्ट को निभाने के लिए बैटर के लिए बहुत जरूरी बन जाता है कि वो बॉल को सही जज करे, बॉल को जज करके शॉट को सही पिक करे। अगर वो शॉट को सही पिक करेगा तो उस आर्ट में वो कामयाब होने वाला है, अपने आप को एस्टेब्लिश करने वाला है। पर कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन गलतियों के रहते वो आर्ट पूरा होता नहीं और ना ही बैटर आर्टिस्ट बन पाता है। उन गलतियों में से एक गलती है शॉर्ट पिच बॉल पे जो कन्फ्यूज़न होता है स्क्वायर कट का और बैकफुट पंच का। आज हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। हेलो व्यूअर्स, मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम एक ऐसा फॉल्ट डिस्कस कर रहे हैं बैटिंग का जो अक्सर बड़े लेवल पे भी बैटर कर बैठते हैं, वो है डिफरेंस का ना मालूम होना स्क्वायर कट में और बैकफुट पंच में। हालांकि दोनों के लिए शॉर्ट पिच बॉल ही है, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल है जिसमें दोनों शॉट खेले जाते हैं। इस टेक्निक में मैं जाऊंगा नहीं, टेक्निक के बारे में आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में तीन वीडियो का लिंक दूंगा जिसमें बैकफुट का फोर्सिंग शॉट है, इम्प्रूव योर बैकफुट पंच और स्क्वायर कट। इन तीनों वीडियोज़ को आप देखेंगे, समझ जाएंगे कि टेक्निक है क्या। आज हम टेक्निक पर बात नहीं करने वाले हैं, आज हम उसी डिफरेंस पे बात करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों शॉट में। आप कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी बॉल कौन से शॉट की है, वो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। मेरा एक स्टूडेंट आपको डेमोंस्ट्रेशन देगा, सिलेक्शन देखना आप उसकी। जितनी बॉल बॉडी के पास है उस पर बैकफुट का पंच खेलेंगे, जितनी बॉल बॉडी से दूर है उस पर हम स्क्वायर कट खेलेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, अगर आप स्टंप्स की हाइट तक की बॉल को, जो उसके नीचे की बॉल है, उसको अगर आप स्क्वायर कट खेल जाएंगे तो देखिए आपके पास ये 4.25 इंच की चौड़ाई है बैट की। आपको मैं विकेट दिखा रहा हूं, आप देखिए 9 इंचेस की होती हैं और बैट 4.25 इंच का होता है। अगर आप बॉल चूक गए वो सीधी आपके स्टंप्स को हिट करने वाली है। दूसरी तरफ जब आप बैकफुट का पंच खेलते हैं तो आपका सारा बैट आता है। देखो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है तकरीबन ये लेंथ आपकी 2 फुट प्लस है। इस लेंथ से आप बॉल को रोकते हैं। स्टंप्स की हाइट जो होती है वो तकरीबन 28 इंच की होती है। तो आप वर्टिकल बैट से खेलते हैं, बॉडी के पास आपका बैट होता है, सेकंड डिफेंस जो होता है आपका बॉडी भी बन सकती है। ऐसे में आपके पास पूरा चांस है कि आप बॉल को अच्छी तरीके से हैंडल कर सके। हम देख लेते हैं 9 इंच की स्टंप्स और 4.25 इंच का बैट कैसे आप गलती कर बैठते हैं। जब आप एक सीधी बॉल को, जो बॉल स्टंप्स की लाइन की है, स्टंप्स की हाइट की है, उसको आप स्क्वायर कट खेलने चले जाते हैं। ये देखिए आप जो यहां से लेके यहां तक की चौड़ाई है स्टंप्स की 9 इंच की है और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल बैट है ये 4.25 इंच चौड़ा है सिर्फ। इसकी जो चौड़ाई है वो 4.25 इंच होती है, इसके ऊपर हो नहीं सकती। तो आपको सिर्फ इतना ही हिस्सा बॉल को रोकता है, बाकी इसके ऊपर की स्टंप्स, इसके नीचे की स्टंप्स वो प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर आपका शॉट लग गया ठीक है, नहीं लगा तो आप आउट होंगे। अभी मेरा स्टूडेंट आपको डेमोंस्ट्रेशन दे रहा है स्क्वायर कट का और बैकफुट पंच का, आप ध्यान से देखिए। उसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिनको अगर हम दिमाग में रखेंगे हम इस गलती से बच सकते हैं। जो बॉल जिस शॉट के लिए बनी है उसको हम वही शॉट खेलेंगे। ये देखो बॉडी के पास की बॉल, बैकफुट शॉट, वर्टिकल बैट। ये देखिए दूर की बॉल थी, बॉडी से दूर थी, स्क्वायर कट। ये देखिए एक और बॉल जो कि उसकी आर्म लेंथ से भी दूर थी, उसको स्क्वायर कट खेला है। ये देखिए फिर स्क्वायर कट। गुड, बैक फुट फोर्सिंग शॉट, बैक फुट पंच। गुड शॉट, स्क्वायर कट, बैक फुट का पंच। स्क्वायर कट अगेन,
फ्रेंड्स, ये आपने देखा कैसे हमारे स्टूडेंट ने आपको डेमोंस्ट्रेशन दिया है। दो शॉट का शॉर्ट और लेंथ बॉल थी दोनों शॉट के लिए, एक बॉडी से दूर एक बॉडी के पास। जो बॉडी से दूर की बॉल थी उस पर वो स्क्वायर कट खेल रहा था, जो बॉडी के पास की बॉल थी उस पर बैकफुट का पंच खेल रहा था। हमें कन्फ्यूज़न होता क्यों है? कन्फ्यूज़न होता है जब हम शॉट को प्रॉपर सिलेक्ट नहीं कर पाते। हमें शॉट को प्रॉपर सिलेक्ट कब करना है? जैसे ही हमने बॉल जज कर ली। जो आपका रूट कॉज है इस फॉल्ट का, वो होता है बॉल की जजमेंट से। आपको सबसे पहले बॉल प्रॉपर जज करना है कि बॉल की लाइन क्या है। अगर आप देखते हैं कि बॉल स्टंप्स की लाइन के पास है, बॉडी के पास है, उसको आपको बैकफुट का फोर्सिंग शॉट खेलना है, इसको ध्यान रखिए। और जैसे ही आपको लगे कि आर्म लेंथ आपका, ये आर्म लेंथ है आपकी, ये स्टंप से दूर की बॉल है, तो इस पे आपका हॉरिजॉन्टल बैठ जाएगा, स्क्वायर कट ये जाएगा। इसमें कॉमन चीज क्या है आप देखिए, जब आप बैकलिफ्ट में जाते हैं तो टॉप ऑफ द बैकलिफ्ट देखिए, यहां पे, यहां देखिए आप, ये वेरी टॉप बैकलिफ्ट है, यहां पे सेम है स्क्वायर कट की भी और बैकफुट के पंच की भी। बट जैसे ही आप स्क्वायर कट सिलेक्ट कर लेते हैं शॉट, वैसे ही आपका बॉटम हैंड एक्शन में आ जाता है और ये बैल को खींच के पिछले शोल्डर के ऊपर ले जाएगा। यहां से आपके बैट की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट चलती है, ये वाली, राइट। और जब आपका वर्टिकल बैट शॉट होता है तो उसमें आपके दोनों हाथ बॉडी के पास रहेंगे, आप ये खेलते हैं। इस शॉट को सीखने के लिए जो दो चीजें आपके लिए करना बहुत जरूरी है वो है, एक, आप बिना शॉट खेले स्टांस में रहें, बैकलिफ्ट में जाएं, शॉट कोई मत खेलें, किसी अपने फ्रेंड को, किसी अपने टीममेट को बोलें कि वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल डाले आपको शॉर्ट पिच। जैसे मान लीजिए पहली बॉल आपकी स्टंप के पास आ रही है, आपने शॉट नहीं खेलना, आपने सिर्फ लाइन जज करनी है, आप बोलेंगे बैकफुट का पंच। अगर वो बॉल स्टंप से दूर जा रही है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि एक हाथ की दूरी पे है, तो उसको आप बोलेंगे स्क्वायर कट। ये ड्रिल जब आप बार बार करेंगे तो आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, ये चीज आपकी मसल मेमोरी में जा रही है। इसका सेकंड पार्ट ड्रिल का हो जाएगा, जैसे ही आपको बॉल मिलती है बॉडी के पास, आप बोलेंगे बैकफुट पंच और खेलेंगे। बॉल आपको बॉडी से दूर मिलती है, आप बोलेंगे स्क्वायर कट और खेलेंगे। ये भी आपकी मसल मेमोरी में जा रहा है। ये ड्रिल अगर आप करेंगे, मुझे पूरा यकीन है 3-4 हफ्ते के अंदर अंदर आपका इस शॉट में जो कन्फ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा। इससे में लॉस क्या होता है? लॉस होता है अगर बॉडी के पास की बॉल को आप स्क्वायर कट खेलेंगे तो चांसेस बन जाते हैं कि पैड के नीचे का हिस्सा लेके बॉल या तो स्टंप्स में चली जाए या कीपर के पास चली जाए या स्लिप में चली जाए, ये चांस बन सकता है। दूसरी तरफ अगर आप दूर की बॉल को सीधे बैट से खेलेंगे तो यहाँ पे सेम रिजल्ट आता है आपका, यहाँ भी आपका बॉटम एज लगेगा, स्टंप्स के पास जाएगी, या फिर हो सकता है कि यहाँ जो आपके क्लोज फील्डर होते हैं वहाँ कैच चली जाए, आपका कंट्रोल स्ट्रोक के ऊपर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपको ये सीखना है कि बॉडी के पास की बॉल है उसको पंच खेलना है, बॉडी के दूर की बॉल है उसको स्क्वायर कट खेलना है। जैसे मैं पहले बोल के गया हूँ, मेरी 3 वीडियो मैंने पहले अपलोड की हुई हैं। एक वीडियो है बैकफुट का पंच, एक वीडियो है इम्प्रूव योर बैकफुट पंच और एक वीडियो स्क्वायर कट। उन तीनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इस वीडियो को तो देखें, उन 3 वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा आप। जहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सी बॉल को मुझे बैकफुट का पंच खेलना है, कौन सी बॉल को मुझे स्क्वायर कट खेलना है। दोनों ही शॉट आपको बहुत रन देते हैं। दोनों ही शॉट फास्ट बॉलर की या स्पिनर की शॉट डिलीवरी को हैंडल करने में है। दोनों ही शॉट आपके टेक्टिकल शॉट हैं। दोनों ही शॉट खेल के आप बॉलर के प्लान को फेल कर सकते हैं। बट अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो जो बॉलर चाहता है वो आप कर रहे हो, आप उसकी ट्रैप में फंस रहे हो, आप आउट हो रहे हो। क्योंकि आपका मेन जॉब एज अ बैटर, जैसे मैं शुरू में कह के गया हूँ, बैटिंग एक आर्ट है। आपके शॉट की सही सिलेक्शन आपको उस आर्ट को सही निभाने में पूरा पूरा कंट्रीब्यूट करती है। आपको प्रॉपर बॉल की जजमेंट करनी है, आपको प्रॉपर शॉट की सिलेक्शन करनी है और उसका एग्जीक्यूशन करना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आई एम श्योर आपकी बैटिंग बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि एक कॉमन फॉल्ट जो हर बैट्समैन का होता है उसके ऊपर बनाई गई मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जो मेरे फ्रेंड्स
इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।